सर्वाना इधर आ बेटा। मैं अभी आया। कैसे हो? ठीक हूँ बेटा। हीरो बन बेटा मंदिर गए थे? हाँ दीदी, सुबह 6 बजे काली माँ के मंदिर, 7 बजे बापा के मंदिर और 8 बजे गिरधर गोपाल के मंदिर से होकर वापस आ रहा हूँ। ये ले बेटा कॉफी पी ले। नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, मैं तो पानी तक नहीं पीने वाला। अंकल, अबे ये लड़का रोज नहा धो के सुबह मंदिर जाता है, पर मंदिर जाना तो दूर, तू तो महीनों महीनों तक नहाता भी नहीं है। क्या बताऊं, एक जमाना था जब ये अपने सर के बाल दान में देने वाला था, और अब ये हाल है कि पायदान बन के घूम रहा है, नाक में दम कर रखा है। इसे तुम कुछ सलाह दो बेटा। सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उनका पालन करना मुश्किल है। इसमें गलती सिर्फ इनकी ही नहीं, आपकी भी है अंकल। बार बार इन्हें मारने की धमकी देने से कुछ नहीं होगा, एक दिन धोड़ डालो और इनकी ऐसी धुलाई करो कि दिमाग का उड़ा हुआ फ्यूज रिपेयर हो जाए। वही मौका तो ढूंढ रहा हूँ। इस उम्र में इन्हें आपकी देखभाल करनी चाहिए, जबकि आप इन्हें आज भी पॉकेट में नहीं देते हैं। हेयर कटिंग और शेविंग के लिए पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ड्रिंक और दूसरे कामों के लिए पैसे देना पड़ता है। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं। नंबर 1, सिर्फ पॉकेट मनी ही नहीं, पॉकेट भी छीन लीजिए। नंबर 2, इसे खाना देना बंद कर दीजिए, और तभी दीजिए जब ये नौकरी ढूंढ के लाए। भूखा रहने पर ही इसे भूख की कदर पता चलेगी, उसके बाद यह खुद ही नौकरी ढूंढ लेगा। देखो, इनसे घर का काम करवाओ, बर्तन मजवाओ और साथ साथ कपड़े भी धुलवाओ। तब तक करवाओ जब तक ये भाई से बाई नहीं बने। तुम कहते हो इनका खाना बंद कर दो और इनकी शादी करवा दो, और शादी के बाद भी अगर ये नहीं सुधरे तो हो ही नहीं सकता। इनके लिए लड़कियां देख लो, पर शादी अभी मत कराना। बाप के लिए लड़कियां नहीं पर ऐसे लड़के बोझ होते हैं। अगर इन निकोमो की शादी हो भी गई तो इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग जाएगा और ये जेल जाएंगे। देखिए अंकल, अगर आप मेरी बातों को बस 30 दिन तक फॉलो करेंगे तो 31वें दिन हम मर जाएंगे, ये सुधर जाएंगे। ब्रदर, मैं तुम्हें करोड़पति या अरबपति बनने नहीं कह रहा हूँ, एटलीस्ट अपने पैसों से कम एक पाव भाजी का ठेला तो खरीद लो। मैं नहीं चाहता कि तुम टाटा या बिरला बन जाओ, कम से कम अपने पैसों से बाटा की चप्पल तो खरीद कर पहनो। आज के बाद एक दूसरे के साथ मत रहो, और बिगड़ जाओगे। चारों दिशाओं में फैल जाओ, देखना लाइफ सेटल हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। प्रसाद लोगे? ए सरदना, इन आवारा लड़कों से बात मत करो। सारे एक नंबर के पनौती हैं, आ मैं तेरी नजर उतारू। अभी आया, चलता हूँ। गुरु, पहले तो कुछ लोग गलती से इज्जत दे दिया करते थे, झूठी रोटी या बासी चाय तो पिला ही दिया करते थे, लेकिन इसने तो पूरी इज्जत को वॉशिंग मशीन में धुला डाला। दर्जनों छुरियां चल जाती हैं इस दिल पर जब हमारे घर वाले उसका एग्जांपल देते हैं। मेरे पास इसके लिए कड़क आइडिया है। कैसा आइडिया गुरु, जल्दी बताओ। उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का, आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, कान के बदले कान। बॉस, राइमिंग अच्छी थी, टाइमिंग बेकार थी, बैठ जा। भाई लोग, हमारा पहला पंच एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमने पंच मार दिया तो वाट लग जाएगी। इस बार टाइमिंग अच्छी थी, राइमिंग घटिया थी, बैठ जा। भाई बंधु, हम सब उसे मार डालेंगे। क्या? यस, और उसके लिए हम में से किसी एक को इंसानी बम बनना पड़ेगा। पहले इंसान तो बन जाओ, उसके बाद इंसानी बम बनना। बिना सोचे समझे प्लानिंग करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत प्लान बनाना बहुत बड़ी गलती है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे ऊपर इतने भड़के हुए हो? बोलो ना। सलाह देने के आड़ में तुमने हमारे माँ बाप को भड़काया है। खाना पीना, पॉकेट मनी और इज्जत, तुम्हारी वजह से इन सारी चीजों का खाक खुजा, बत्ती बुझा हो गया है, और तुम भोले बनकर पूछ रहे हो तुमने हमारा क्या बुरा किया है। इसलिए मुझे मारने का प्लान बना रहे थे। देखो, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे एडवाइस मांगी तो मैंने उनको दे दी, अब तुम मुझसे एडवाइस मांगोगे तो मैं तुम्हें मना थोड़ी करूंगा। टेल मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? एक्चुअली नहीं, इससे मदद मांगना यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना। खुद मदद के लिए आया और अपना भाव बढ़ा रहा है। दोस्त, दूध लस्सी उकाला, इनमें से कुछ नहीं मिलेगा, हमारी जेब खाली है, बैठो। ब्रदर, तुम जवान मैं जवान, नाम से बुलाओ चलेगा। चीना, बोल बुन्ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कल तक सिर्फ बाहर वाले हमें कचरा समझते थे, अब तो घर वाले भी हमें खटारा समझते हैं। ओह, मतलब घर और बाहर दोनों जगह इज्जत नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली, सिर्फ इतना ही नहीं, लोग अपने गधों की भी शादी करवाते हैं, लेकिन हम तो घोड़े बन गए हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं हुई है। जवानी में हमारी जवानी का जोश रोज बबल की तरह फूलता है और फूटते हुए ये कहता है कि जाओ शादी कर लो, बीवी बना लो, ऐसे में हम क्या करें? अगर इज्जत बढ़ानी है तो अमीर बन जाओ। अमीर बनने के लिए क्या करना है? अमीर बनने के लिए तो पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, किस्मत की चक्री चलानी होगी।
अगर ऐसे आहा उहू करते रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ब्रदर, दो मिनट वाले नूडल से भी मैं फटाफट अमीर बनना चाहता हूँ, आइडिया है? मतलब बिना मेहनत किए तुम लोगों को अमीर बनना। यस सॉरी। ओके, मैं तुम्हें अमीर बनने का आइडिया बताऊंगा, वो भी शॉर्टकट में। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी अमीर लड़की को प्यार के जाल में फंसा कर उससे शादी कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक अमीर बन जाओगे। लेकिन अमीर लड़की को पटाने के लिए मुझे अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी ना। लाइफस्टाइल नहीं, सिर्फ हेयर स्टाइल। बॉस, अगर ऐसे ही बैठे रहे तो पास कैसे होंगे? पास्ता खा के पास हो जाएंगे। गुरु, ये हमारे एरिया का एक नंबर का कॉलेज है। अच्छा, इस कॉलेज में सारे अमीर बाप की बेटियां पढ़ती हैं। वॉचमैन की सिक्योरिटी टाइट करने के लिए खंबा दे दिया है, वो हमें लड़कियों की लिस्ट दे देगा, उसमें से एक भी सेट हो गई तो अपनी लाइफ सेटल। बॉस, अपने पीछे देखो, नाम है रीटा। इसके बारे में और बता। हाँ बॉस, इसको अगर सेट कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इसके बाप की कितनी फैक्ट्री है? सड़क पर पानी पूरी का ठेला है। बेटा तो इस वक्त भूखा है, इसीलिए इसके साथ सेटिंग करके अपनी भूख मिटाना चाहता है। तुझे खाना है पानी पूरी, भेल पूरी, मसाला पूरी, ये सब छोड़ और मालदार बाप की सुंदर सुंदर लड़कियों को पकड़। गुरु, ये देखो मेक इन इंडिया, लड़की का नाम है रेखा। रेखा को देखा, लेकिन रेखा को देना पड़ेगा टेका वरना वो गिर जाएगी। गिरने की बात मत करो बॉस, यहाँ हमसे गिरा हुआ और कोई नहीं। लड़की दिखने में कैसी भी हो परवाह नहीं, माला माल होनी चाहिए, सिर्फ तभी हमारी लाइफ सेटल हो पाएगी। पहले बोला होता मैं साथ में छाता ले आता। ठंडी हवा चलने लगी है, मेरे पैर टुचुक टुचुक हिलने लगे, पीले रंग के सस्ते फूल उड़ने लगे, इसका मतलब हीरोइन की एंट्री होने वाली है। लिस्ट में सबसे अमीर लड़की, गुरु इसको पटा लो ना प्लीज। चलो बॉस, इसे मेरी भाभी बना दो। अपनी गटर का शटर बंद कर। दोस्तों में आपस में कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। चलो ओके, हम सब ट्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उसे इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा। और हम लोग? फिलहाल तुम भजिए तलो, मैं तो चला। मैडम, बैग। जब गए थे तो चेहरा टमाटर की तरह खिल रहा था और अब टमाटो सॉस की तरह जगह जगह से जूस निकल रहा है। तुझे ये जूस दिख रहा है क्या? अबे चूस लिया है मुझे। हा? बॉस, उसको बिना टच किए आपका मुंह टूट गया, अगर टच करते तो पता नहीं क्या क्या टूट जाता। पनौती पहले से नेगेटिव बात करता है, बी पॉजिटिव यार। हमारे साथ आज तक कुछ पॉजिटिव हुआ है? पॉजिटिव सोचे कैसे? मेरा चाचा भी पॉजिटिव था। अब हमें आगे क्या करना है ये सोचो। उसी से जाके पूछता है जिसने ये आइडिया दिया था। आइडिया का सिम हमने दुकान से लिया था और फोन में डाल दिया था। अगर ज्यादा बुलाना तो तेरे फोन का तो क्या, तेरा बैलेंस बिगाड़ दूंगा। हमारे पास एक ही रास्ता है, शर्वना। ऐसा क्या काम था जो मुझे अर्जेंटली बुला लिया? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मंदिर में जाना है। तुम्हें मंदिर जाना है, लेकिन हमें तो प्यार का मंदिर बनाना है। लव लव लव। मुझे तुमसे अपनी लाइफ और होने वाली वाइफ के बारे में बात करनी है। एक रापची का आइडिया दो, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। वो कहते हैं ना, जैसा बोएगा वैसा ढोएगा। चलो ठीक है, बैठ जाओ, आइडिया देता हूँ। बैठ गया, लेकिन पहले प्रॉब्लम क्या है बताओ। शर्वना, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कोई लड़की मुझ पर लट्टू हो जाए। उसके लिए तो लड़की को इम्प्रेस करना होगा। इम्प्रेस कैसे करना है? इम्प्रेस करने के लिए वो करो जो उसको अच्छा लगता हो। लेकिन उसको अच्छा क्या लगता है? शर्वना प्लीज, भाव मत खाओ, खाना खाओ प्लीज, आइडिया बताओ। ठीक है, बॉक्सिंग। अगर उसे बॉक्सिंग पसंद है तो बॉक्सिंग सीख लो और कंपटीशन में हिस्सा लो। ये पहले ही अपनी नाक तोड़वा चुका है, अब बॉक्सिंग करके पूरी बॉडी पंचर करना है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, स्विमिंग। तुम स्विमिंग सीख लो और उसे इम्प्रेस करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ देखो, अगर उसे गाना पसंद है तो तुम उसे गाना सुनाऊं। लड़की को बेहोश मत करना, बस ये एक एहसान करना उस पे। माँ कसम। अच्छा, उसे इम्प्रेस करने का कोई और तरीका नहीं है? एक तरीका है,
या तो तुम्हें उसके लिए जान देनी होगी या फिर उसकी जान बचानी होगी। ऐसा किया तो तुमसे इम्प्रेस होगी और प्यार करने लगेगी। जान लेने या जान देने के लिए तुम्हारी जान में इतना दम नहीं है, जान फट के हाथ में आ जाएगी, लेकिन उसकी जान बचा के तुम उसे अपनी जान बना सकते हो। लेकिन कैसे यार? देखो गुरु, ऐसा है कि वो 5 मिनट में कॉलेज से बाहर निकलने वाली है। मैंने यूट्यूब पे देख के ब्रेक फेल करना एकदम सीख लिया। उसकी स्कूटी रुकेगी नहीं और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगेगी। फिर तुम अपनी हाथ गाड़ी मतलब बाइक पर जाके उसे बचा लेना, फिर तुम्हारा म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो जाएगा, देखना। क्या हुआ, कुछ लोचा है? प्लान झकास नहीं लगा? प्लान तो बहुत ही सॉलिड है, लेकिन बहुत ही पुराना घिसा पिटा है। Give me some original new idea, सर जी। नए के चक्कर में पुराना भी हाथ से निकल जाएगा, जितना कहा बस उतना ही करो। ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा गुरु ये काम करेगा, लेकिन गेम स्टार्ट तुम करोगे और एंड मैं करूंगा। ठीक है, चल भाई।